नमस्कार दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर विक्रम जी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांसुरी बजाने के लिए फिंगर फास्ट चलना बहुत ज़रूरी होता है और फिंगर फास्ट करने के लिए मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसके लिए कि बांसुरी पे अगर आपका स्वर पक्का लग रहा है, यानी कि हर तरह से ब्लोइंग आपका ठीक ठाक है बांसुरी पे, तो आप इसका अभ्यास करें। ठीक है, चलिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक मिनट आप इसे ऑन कर लीजिए। एक मेट्रोनोम आता है, आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको इजीली से, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे आप बीट पे लगा लीजिए कुछ इस तरह से। मैं मेट्रोनोम लगा ले रहा हूँ, देखिए ये जो अभी 250 का स्पीड है। अभी मैं इसे थोड़ा कम करता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए ये जो अभी 165 का स्पीड है, ठीक है। अब इसको पहले ध्यान से सुनिए, टक 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 इस तरह से मार रहा है और जितना फास्ट पे चल रहा है आपको कुछ इस तरह से अभ्यास करना है बांसुरी पे। देखिए इतना पे अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसकी स्पीड आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप कुछ इस तरह से। मैं अब 165 से 200 के लमसम चला गया हूँ। चलिए देखिए, आप इस तरह से कुछ समझ पाए होंगे किस तरह से अभ्यास करना है। और सबसे पहले जो इसमें एक बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ये जो ब्लोइंग है सही से होना चाहिए। ये जो आप बांसुरी पे अगर जो फिंगर को टच कर रहे इसे, तो ये करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होल पे ही होना चाहिए फिंगर, ठीक है ना, कि इधर इधर हल्का सा भी होगा तो दिक्कत हो सकता है वो। अगर आप बिगिनर हैं तो इसका अभ्यास ना करें, और अगर आप अच्छे से साल भर के लमसम में, एक साल के लमसम में अभ्यास कर चुके हैं तो आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। चलिए आप सबों को इस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।